और आशी यादव ने बोल्ड कर दिया सुमित केसरवानी को। लेग स्टंप पर बॉल थी, स्वीप करना चाहते थे लेकिन गेंद टर्न हुई और समझ नहीं सके, पीछे से क्लीन बोल्ड हो गए सुमित केसरवानी और अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं रोनित सिंह, उभरता हुआ खिलाड़ी। रोनित दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, पिछले मैचेस में इन्होंने काफ़ी रन बनाए हैं। आशी यादव को पहली सफलता, दाहिने हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज हैं आशी यादव। ऑल इंडिया टैलेंट सर्च के तहत इस टूर्नामेंट में ये मैच काटजू गर्ल्स क्रिकेट एकेडमी और स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च के बीच खेला जा रहा है और ये गेंद काफ़ी सूझबूझ से हल्के हाथों से खेला स्क्वायर लेग पर, जब तक कि गेंद फील्ड होती खाता खोला एक रन के साथ। और अब सामना करेंगे अनिकेत सिंह आशी यादव का दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए आशी यादव। डॉक्टर के एन कार्जो इंटर कॉलेज मैदान पर खेला जा रहा है ये मैच और ये फुल टॉस बॉल थी, इसको आराम से फेंको,